ये है एक मेडिसिनल प्लांट, आप इसको इजी वे से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, टेरेस गार्डन में। और कुछ नहीं, बस बहुत आसानी से उगने वाला है और ग्रीन ग्रीन लीव्स आती हैं। और ये कई बीमारियों में, बुखार में, खांसी में हमें बहुत उपयोगी होता है। कुछ पेट की बीमारियां भी होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि ये देखिए एक हर्बल है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिंस में बहुत यूज़ करा जाता है, तो इसको इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर इसका हम पानी भी बॉईल करके पीते हैं, इसकी जो ये स्टेम है, ये देखिए ये स्टेम जो गई है ग्रीन सी, ये धीरे धीरे मोटी होती रहती है। ये देखिए एक तो ये कटिंग से लगाया हुआ है तो धीरे धीरे मोटी होती रहती है। इसका बहुत सारा यूज़फुल है। अगर इसको आप सर्च करने जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये है गिलोय। तो गिलोय की बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे स्वस्थ जीवन के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। तो आप गिलोय अपने टेरेस में आराम से उगा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से उग जाता है। ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा गिलोय के लिए। कभी आपको ज़रूरत है, अगर फीवर है, खांसी है, या कुछ गले से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, पेट से संबंधित है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर, इसकी जो ये स्टेम है मोटी वाली, ये देखिए ये वाली, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, आधा जैसे थोड़ा सा एक हिस्सा इसका कट कर लिया, और इसको पानी में बॉईल करके 10 मिनट आप वो पानी छान के पी लीजिए, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए गिलोई मैंने छोटी सी, वैसे तो गिलोई का मेरे पास पहले भी है मदर प्लांट, तो देखिए उसी में से एक छोटी सी डंडी तोड़ के मैंने लगाई थी। तो इधर ये बारिश हुई हमारे वहाँ, तो कितनी तेज़ी से ये बढ़ा, ये देखिए ये है, और ये लगा है वेस्ट बैग में। मैं जिस तरह से फिर बोल रही हूँ, देखिए वेस्ट वाले में, तो ये देखिए इसकी लीव्स, और ये देखिए कितनी जल्दी कहाँ पे, देखिए ये ऊपर पहुँच गया, अब वो उधर चला गया। तो छोटा, मैं कोई भी जो पौधा होता है, कोई भी अगर छोटी सी डंडी भी है तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, अगर वो ज़रूरत का नहीं भी है मेरे, तो ये तो मेरे पास 2-3 लगे हुए, लेकिन देखिए मैं फेंकी, ये इसकी ये स्टिक टूट गई थी, तो ये देखिए ये मैंने ऐसी ग्रो कर दी, ग्रो बैग में थोड़ी सी सॉइल डाल के, ये देखिए तो ये आराम से उग गई। और ये डंडा मैंने लगा दिया था, मैंने कैसी पे चढ़ेगा, तो ये देखिए मेरे अंगूर की बेल पे चला गया, ये ऊपर पकड़ लिया इसने। तो इस तरह से गिलोई के बहुत हमारे स्वास्थ्य वर्धक है, गिलोई हमारे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर इसकी इस डंडी को अगर मैं अपने आस पड़ोस में कहीं भी फेंक देती, जैसे खाली स्थान पे मिट्टी में ही ऐसी, तो ये वहाँ पे भी उग जाती। तो ये देखिए ग्रो बैग में, तो इस तरह से ये जो इसकी जो स्टेम है, ये देखिए ऐसी ऐसी मोटी होती जाएगी। अभी तो देखिए ये पतली है, ये देखिए स्टेम बहुत पतली सी है, तो ये इस तरह से मोटी होती जाएगी। तो इसका हम काढ़ा बना सकते हैं, अगर हाई फीवर है आपको, या खांसी हो रही है, या फिर पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो इसका आप काढ़ा पी सकते हैं आराम से गिलोय का। तो ये हमारा अब अजमाया हुआ नुस्खा है और हम लोग यूज़ करते रहते हैं घर पे, तो बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं। तो आप गिलोय को लगा सकते हैं, नर्सरी में भी आजकल मिल जाती गिलोय, और कहीं आपके आस पड़ोस में लगी हो तो वहाँ से भी आप छोटी सी कटिंग ला के गिलोय को आराम से अपने घर में आयुर्वेदिक मेडिसिंस लगा सकते हैं, हर्बल मेडिसिन लगा सकते हैं। तो ये मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत यूज़ के होते हैं हमारे घरेलू जीवन में। तो देखिए फीवर खांसी तो कभी भी, बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप फट से ये स्टेम्प ये काटिए और इसको बॉईल करिए और इसका पानी पिला दीजिए बच्चों को, या खुद भी पीना हो तो खुद पी लीजिए। तो इस तरह से ये आप लगाइए। देखिए तुलसी हो गई और लेमन ग्रास हो गई और अदरक की लीव्स हो गई, छोटी इलायची के पत्ते हो गए, और ये सब एकदम हर्बल में आता है। अगर आप इन सबको मिला के चाय में भी डालते हैं तो चाय भी बड़ी अच्छी बनती है। तो इसी तरह से गिलोय का भी आप लगा सकते हैं। गिलोय खासकर बुखार में बहुत उपयोगी होती है, और इसकी और कई दफ़े हमने खांसी वगैरह भी होती है जैसे, तो हम लोग उसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, तो बहुत हमें खुद फ़ायदे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इसीलिए मैंने गिलोय लगा ली। तो आप आराम से लगा सकते हैं, आजकल तो नर्सरी में बहुत मिलने लगी गिलोय भी, तो नर्सरी से भी ला सकते हैं, और एक बार आप लगाएंगे तो ये सालों साल आपके यहाँ इसी तरह रहेगी। तो देखिए ये है गिलोय, कि आज मैं बता रही थी आपको गिलोय के बारे में। तो ये मेडिसिन प्लांट है, तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी डंडी इस तरह से, और ये ऐसे बढ़ता रहेगा, और ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं, समर्स में तो बहुत सुंदर लगती हैं इसकी लीव्स। अगर आपकी नहीं इच्छा है तो इसको काट के उखाड़ के फेंक भी सकते हैं,
और जब तक उपयोग है तो इसको उपयोग करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मेडिसिन प्लांट है और हमारे घरेलू जीवन में बहुत उपयोगी है, तो आप गिलोई लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा था एक मेडिसिन प्लांट, गिलोई। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।